الفضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن لن نترك حفظ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
मोहतरम हजरत, जैसा कि मैंने सूरह अन्नबा इसकी तिलावत फरमाई, इसका तर्जुमानी आपके सामने पेश करता हूँ कि लोग किस चीज़ के बारे में पूछ गछ कर रहे हैं, क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुताबिक ये मुख्तलिफ चीमी गोइयाँ करने में लगे हुए हैं। हरगिज़ नहीं अंतरीब इन्हें मालूम हो जाएगा, हाँ हरगिज़ नहीं अंतरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये वाकई नहीं है कि हमने ज़मीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेघों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को वाकई से सुकून बनाया और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान कायम किए और एक नहायत रोशन और गर्म चराग पैदा किया और बादलों से लगातार बारिश बरसाई ताकि उसके ज़रिए से गल्ला और सब्जी और घने बाग उगाएं। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा हत्ता कि वो दरवाजे ही दरवाजे बंद कर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। दरहकीकत जहन्नम एक घात है, सरकशों का ठिकाना जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा वो ना चखेंगे, कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और जख्मों का धवन और उनके करतूतों का भरपूर बदला। वो किसी हिसाब की तवक्का ना कर रखते थे और हमारी आयत को उन्होंने बिल्कुल झुठला दिया था और हाल ये था कि हमने हर चीज़ गिन गिन कर लिख रखी थी। अब चखो मज़ा, अब हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज़ में हरगिज़ इजाफा ना करेंगे। यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मकाम है, बाग और अंगूर और नौतेज हम सिर्फ लड़कियाँ और छलकते हुए जाम, वहाँ कोई लहू और झूठी बात वो नहीं सुनेंगे और जजा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से और उस नहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उनके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का यारा नहीं। जिस रोज़ रूह और मलाइका सब बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। वो दिन बरहक है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। हमने तुम लोगों को उस अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है और काफिर पुकार उठेगा कि काश मैं ख्वाब होता। ये मुकम्मल सूरह नबा का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। मोहतरम हज़रात, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला की नेमतें जिनका हम शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और हमको इस बात की खुशी है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम तमाम को मुसलमान और मुस्लिम घराने में पैदा किया और हमको कुरान मजीद पढ़ने का एक नहायत और बहुत ही अजीम मौका इनायत फरमाया। तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह तबारक तआला के लिए हैं और हम दुरूद सलाम भेजते हैं तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर और खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरह नबा जिसके बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने जो भी कुरान मजीद में सूरतें नाजिल फरमाई हैं दो तरह के, यानी अल्लाह तबारक तआला ने इसमें तकसीम रखी है। चंद चीज़ें हैं जिस तरह के सूरह नाजिल होती हैं तो किस जगह, तो अल्लाह तबारक ने चंद सूरतों को मक्के में नाजिल किया जिसकी वजह से वो मक्की कहलाई और चंद सूरतों को मदीने में नाजिल किया जिसकी वजह से वो मदनी सूरतें कहलाई। अब इसमें भी चंद ऐसे सूरतों में चंद आयतें भी हैं जिसको अल्लाह तबारक ने मुंतखब वक्त में मखसूस वक्त में उन आयतों को अल्लाह तबारक ने नाजिल फरमाई, इसके बारे में हमको मालूम है। तो हम सूरह नबा की तफसीलात में आते हैं। ये सूरह मक्की है जिसमें मुकम्मल 40 आयतें हैं जो 40 आयतों पर मुश्तमिल है। इसके मजामीन की तरफ हम जब गौर फिक्र करेंगे तो खुसूसन जो नबा है, नबा के माने हैं
खबरदार करना, आगाह करना, यानी मुतनब्बह करना, किस दिन की तरफ, आखिरत की खबर की तरफ, क़यामत के दिन की तरफ और उस रोज़े जज़ा की तरफ जो हम रोज़ाना मालिक यौमिद्दीन से याद करते हैं, तो रोज़े जज़ा जिस दिन बदला दिया जाएगा उस तरफ इशारा है। अब हम आते हैं इस असल मौजू क्या है इस सूरह नबा का। मक्के में जब शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब आप पैदा हुए और आप को जो अजीम कारनामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कारे नबुवत से सरफराज किया गया मुकम्मल जवानी के वक्त 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त अभी इब्तदाई दौर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सूरतें वही की शक्ल में आई और आप को मुकम्मल तौर पर यानी आपको नबुवत से सरफराज किया गया, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज किया, तो तीन बुनियादी चीज़ें सामने रहीं। खुसूसी तौर पर उस वक्त तीन चीज़ें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के सामने रखना था। एक तो लोगों को शिर्क से बचाना था, शिर्क से इस्तेनाब कराना था। वहदानियत यानी अल्लाह तबारक तआला जो खालिक हसन है, अल्लाह तआला जो कायनात को पैदा किया, जो तमाम इंसानों को पैदा किया, उनको इस बात की तरफ मुशरिकीन है मक्का खुसूसन जो कुफार थे मुशरिकीन थे उनको इस बात की तरफ उभारना था कि एक खालिक की तरफ आओ जिसने तुमको पैदा किया और यही वो खालिक है जो पैदा भी करता है और दोबारा जिंदा भी करता है। और दूसरा काम था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, यानी लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही में से एक इंसान, कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम, हमने एक इंसान को भेजा है जो रसूल रसूल बनाकर और एक नबी बनाकर और जिसके ज़रिए हमने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी तरफ पैगाम भेजा कुरानी मजीद की शक्ल में, और इस पैगाम को लोगों के सामने पेश करना है तो सबसे पहले नबी को जानना चाहिए लोग। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पेश कर रहे थे, अपने पैगाम को भी पेश कर रहे थे कि मैं एक रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और रसूल की इताअत लाजिम है। तीसरी चीज़, इस दुनिया का खात्मा होने वाला है, इस बात की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और कुफार मुशरिकीन को बताने वाले बताने के लिए, ये तीन चीज़ें बतलाने के लिए आए थे। लेकिन लोगों को जब शिर्क की तरफ बुलाया जाता यानी शिर्क से दूर किया जाता तो लोग उसको कराहत महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद की तरफ से है। थोड़ी बहुत कराहत महसूस होती है लेकिन उस वक्त उतना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी तकलीफें नहीं देते, लेकिन जब आखिरत की खबर दिलाने का मौका आता, ये पूरा मजमून इस सूरह का क़यामत की तरफ है जो बहुत दर्दनाक है। और मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें जो जो इनामात मिलने वाले हैं और किस तरह क़यामत की अलामतें हमारे सामने पेश आएंगी, तो उसका नक्शा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खींचा और अल्लाह तबारक तआला बतला रहा है। और देखिए ये तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मुशरिकीन के सामने रखें, और इसी तरह हम एक एक आयतों पर गौर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जिससे सबक मिल सकता है। अम्मा तसालू, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि लोग किस चीज़ के बारे में पूछ कर रहे हैं, यानी आपसे सवाल कर रहे हैं, कुफार मुशरिकीन सवाल कर रहे थे, वो क्या चीज़ है, अजीम खबर क्या है, क़यामत की खबर है हम जानते हैं, अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफ। उसके बाद कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं तुम जान लोगे, हरगिज़ नहीं। देखिए दो मरतबा जिक्र किया गया, इन जब भी अल्लाह तआला किसी बात को तकरार के तौर पर जिक्र करता है तो ये बहुत अहमियत की हामिल होती है, कोई भी बात हो उसमें ताकीद पैदा होती है। तो अल्लाह तआला यहाँ वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम उस चीज़ को नहीं जान रहे हो लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तआला कह रहा है कि तुम नहीं जानोगे। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, कि हमने ज़मीन को फर्श बनाया, सबसे पहले अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात जो कुछ पैदा किया है उसके तारुफ करा रहा है, जो मखलूक़ अहम चीज़ है जिसकी तख्लीक़ अल्लाह ताला ने की है, सबसे पहले आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ अल्लाह तबारक ने 7 दिनों में पैदा की, तो उसका तस्किरा कर रहा है कि हमने जो चीज़ें पैदा की हैं उसको किस तरह निछावर कर दिया, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है, वजीबा अवतादा और पहाड़ों को हमने क्या दिया, गाड़ दिया है, मेखों की तरह गाड़ दिया है, वह कलम ना तुम अजवाजा और हमने तुमको पैदा किया दो जोड़ों के ज़रिए। ये भी हम खुसूसन निकाह के वक्त जो आयतें पढ़ी जाती हैं यही पैगाम देती हैं कि उन दो जोड़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला कितनी तकदीर को कितने कायनात में फैला दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ये निचोड़ हम जानते हैं।
और उसके बाद देखिए वजअलना नौमकुम सुबाता, यहाँ पर अल्लाह तआला यहाँ से वजअलना हमने तुम्हारे लिए नींद बनाई सुबाता, किसके लिए? सुकून, बाई से सुकून मन के लिए। अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी कायनात की तखलीक और उसके बाद तखलीक इंसानियत का जिक्र किया, पहले कायनात की तखलीक का जिक्र, उसके बाद तखलीक इंसानियत का, उसके बाद वजअलना नौमकुम सुबाता, उसके बाद इंसान को जो पैदा किया तो उसके लिए सबसे सुकून जो जिंदगी होती है उसमें नींद है अहम चीज। जब इंसान पैदा होता है तो उसके लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए सबसे खामोश कर देने वाली, एक घर को सुकून में मुब्तला करने वाली और आराम देने वाली कोई चीज है तो नींद है। तो अल्लाह ताला कह रहा है वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे नींद को बाई से सुकून बनाया। देखिए सुबात के माने हमको जानना चाहिए कि सुबात किसे कहते हैं, हम यौम सब्त कहते हैं यानी हफ्ते के दिन, और ये मुकम्मल अलग है। इस सुबात के माने होते हैं अलग, और इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि सुबात के क्या क्या माने हैं। सबसे पहली चीज़ ये काट देने वाली चीज़ है, किस चीज़ को? कि आदमी की जो थकान होती है जब इंसान मुकम्मल तौर पर जिंदगी में यानी भाग दौड़ करता है, सुबह शाम अपनी मसरूफियात में लगा रहता है, जब वो अपने बिस्तर पे आराम के लिए आता है एक नींद, चाहे वो 10 मिनट भी अगर सो जाता है तो उसको पूरे सुकून तालीम हो जाता है। अगर वही उसको नींद आती है लेकिन वो उसको बर्दाश्त करता है तो उस नींद के बर्दाश्त करने के बिना पर उसके दर्द में उसके सर में एक दर्द तकलीफ की शक्ल में अख्तियार कर लेता है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए निज़ाम मुकर्रर किया है। तो सुबात के माने आते हैं काट कर रख देने वाली चीज़, थकान को दूर कर देती है। और इसी तरह मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि आदमी जब सो जाता है तो उसके आज़ा और जो इज़्तिराब होते हैं उसको काट कर रख देती है। और लिखते हैं कि अन्नौ मुकातियुन लिल आमाल, इंसान के जो आमाल होते हैं वो कट जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान जिंदा रहता है वो कुछ कहता है, कुछ अमल करता है तो उसको राह अमल में लाया जाता है, उसकी बात को तस्लीम किया जाता है। और जब वो नींद की हालत में अगर कोई तलाक भी देता है तो वो तलाक वाकई नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला ने ये ज़ाब्ता हयात बनाया है कि नींद सुकून बाईस ज़िंदगी है, और कोई नींद की हालत में अमाल करता है यानी तलाक जिसे यानी बहुत सी चीज़ें करता है जो असल में अंजाम को नहीं पहुंचती है, उसको तस्लीम नहीं किया जाता, क्योंकि इंसान नींद की हालत में कहा रहता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए अन्नौमु अखुल मौत, मौत नींद मौत का एक भाई है। मुख्तसर सर कहा गया है कि मुख्तसर नींद क्या है, एक भाई की तरह है मौत की, जिस तरह मौत ऐसी चीज़ है जो हमको हमेशा के लिए सुला देने वाली चीज़ है, तो ये इससे तस्वीर दी गई। और इसी तरह रात को अल्लाह ताला ने वजअलना लैल लिबासा, रात को लिबास कहा, तो लिबास कहने की वजह क्या है? अल्लाह ताला ने देखिए कि दिन में अल्लाह की इबादतें करते हैं हम, और रात को अल्लाह तबारक तआला की और अक्सर इबादतें करना चाहिए, ज़्यादा इबादत में अपना वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जगह जगह कुरान मजीद में कहा कि रात में ऐसा वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते हैं, आखिरी वक्त रात का आखिरी पहर हम जानते हैं। तो हम यहाँ लिबास क्यों कहा अल्लाह ताला ने, इसलिए कि रात का ऐसा वक्त है जिसमें तमाम इंसान अपने आँखों के आंसू बहा देता है, अल्लाह तबारक तआला के पास गिड़ गिड़ा कर दुआएँ करता है, और ये पोशीदा अल्लाह तबारक तआला ने लिबास के तौर पर रखा है। इसी तरह बंदा अल्लाह तबारक तआला से गिरिया व आज़ारी करता है और अपने तमाम हाजात तलब करता है, और दूसरी चीज़ देखिए कि रातों में ज़्यादा सजदे करता है, और तीसरी चीज़ इंसान से सबसे ज़्यादा बुराइयाँ सरजद अगर कोई वक्त होता है तो रात का वक्त होता है। जितने भी तुम कुरानी मजीद में अजाबात देखिए तो उसमें जो अजाबात नाजिल हुए हैं वो रात के वक्त नाजिल हुए। तो रात का वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने एक अजीम सुकून रखा है, और इसमें सोना चाहिए, और इसमें इबादत भी काबिल कबूल है। और इसीलिए असलाफ इकराम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह कहा, जैसे कि सयक्शफ कुल्लुहु यौम तुबला सराय, हम हर चीज़ को खोल कर रख देंगे, जो तमाम चीज़ें हैं उसको कब खोलेंगे? लिबास की शक्ल में। अल्लाह ये लिबास जो कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को छुपा दे रहा है, तुम्हारे गिरिया व आज़ारी को छुपा दे रहा है, तुम्हारे सजदों को छुपा दे रहा है। तुम जितना अल्लाह ताला के पास नदामत और शर्मिंदगी के साथ थे, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह तआला
कयामत के दिन खोलेगा और वो तुम अगर जो चीज जिस अमल के जरिए तुम करे, अगर तुम बुराइयां करते रहे तो बुराई की शक्ल में आएगा, अगर तुम अच्छाइयां किए हैं तो अच्छाइयों की शक्ल में आएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है इस लिबास को हम कयामत के दिन खोलेंगे। और इसी तरह हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह यहाँ रात और दिन का जिक्र किया है, ये दो खुसूसन रात एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अल्लाह ऐसा वक्त है जिसमें इबादत बहुत सुकून और इत्मीनान से की जाती है। मुफरस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच वक्त की जो नमाज़ें इनाम के तौर पर लेकर आए, हमको मालूम है कि दो सिर्री तौर पर नमाज़ें अदा की जाती हैं, जहर और असर, और तीन जहरी नमाजें हैं। वजह क्या है? इसकी वजह मुफस्सिरीन इकराम बयान करते हैं कि ये औकात ऐसे होते हैं मगरिब के वक्त, रात का वक्त शुरू होता है यहीं से सूरज ढहलने लगता है और यहाँ से ये वो औकात होते हैं जिसमें सुकून इत्मीनान शुरू होता है, और इस वक्त गिरियावाज़री तिलावत कुरान अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंदीदा है, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी नाजिल होते हैं। और इसी तरह जहरन यानी हम रात के वक्त फजर की नमाज और ईशा की नमाज तवील पढ़ने का हुक्म दिया गया। और इसी तरह कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि अकीमिस सलात लिदुलूक की शम्स इला ग़सक अल-लैल व कुरान अल-फज्र, सुबह के वक्त कुरान मजीद की तिलावत करने से फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, हर वक्त हाजिर होते हैं, खुसूसन कुरान की तिलावत सुबह के वक्त करना चाहिए। तो इससे बात मालूम होती है कि रात में खुसूसन इबादतों में मशगूल रहना चाहिए, और तीन हिस्से इसमें हम अदा करना चाहिए। एक तो औकात जैसा ही ईशा के वक्त ईशा का वक्त हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी बातों को कम कीजिए और फौरन खाकर सोना चाहिए, उसके बाद आधे पहर में उठकर कुरान की तिलावत कर सकते हैं, या फिर आखिरी पहर में तिलावत कुरान और नमाजों का अहतमाम करें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील इतना तवील होता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम अपने पाँव में यहाँ तक के पाँव में वर्म आ जाता था हम जानते हैं। तो वह जानना नहारा माशा, और हमने माश के लिए दिन को मुकर्रर किया है, क्योंकि माश एक ऐसी ज़िंदगी है यानी इंसान की तरक्की और तनज़ुली इसी में, जब इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ करना चाहता है तो दिन ही में, यानी इसको अल्लाह तबारक तआला ने कुदरती तौर पे बतला दिया, लेकिन आज हम दिन में सो जाते हैं लेकिन रात में उसको माश का ज़रिया बनाते हैं जो कि कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो इससे बचना चाहिए कि हमको अल्लाह तबारक तआला ने दिन में बनाया, जितना हो सके फजर के बाद से लेकर शाम तक अपने आप को माशी ज़िंदगी में यानी सर्व करना चाहिए। और उसके बाद वह बने नफ़ाउकुम सबअन शिदादा, हमने सात और हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान कायम किए, इससे पहले भी यहाँ जिक्र किया अल्लाह तबारक तआला ने, और मजबूत सात आसमान बना दिए। वजअलना सिराजं वहाजा, और एक निहायत रोशन और गर्म चराग पैदा किया, यानी अल्लाह तबारक ने आसमान की तख्लीक के बाद यहाँ बता रहा है कि हम आसमान से एक सिराज यानी सूरज जो बहुत गर्म होगा, हाजा उन्हें जो गर्म होगा, और इस तरह गर्म होगा कि इंसान जब उसको देखने की कोशिश करेगा ज़मीन से, यानी सिर्फ सूरज के निकलने किरने को देखेगा तो देख नहीं पाएगा, तो उस इतना गर्म होगा। और यही चीज़ इसलिए बतलाई जा रही है कि क़यामत के दिन सूरज इंसानों के सरों पर होगा तो देखिए कि उसकी गर्मी कितनी शिद्दत होगी, तो उसकी तरफ इशारा है। सिराजं वहाजा वअन्ज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जादा, और इसी तरह बादलों से लगातार अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाता है। लिनुख्रिज बिही हब्बन व नबाता, और यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला मखलूकात के लिए जो चीज़ें मुहैया किए हैं उन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहा है कि हम ये तमाम चीज़ें इंसानों के लिए पैदा किए हैं। जो यानी आसमान से बारिश जब नाजिल होगी तो खेतियों में अनाज उगेगा, जब अनाज उगेगा तो रिस्क हमको आसानी से मिल सकता। और उसके बाद वजन्नातिन अल्फाफा, देखिए कि अल्लाह तबारक तआला जब ज़मीन से जो एक मुर्दा ज़मीन है उस ज़मीन को ज़मीन से पौधों को फाड़ देता है, किस तरह तख्लीक करता है अल्लाह तबारक तआला, ये हमको जानना चाहिए। और अल्लाह तबारक तआला की तख्लीक का जिक्र लोगों के सामने करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने तमाम इंसानों को इंसानियत के तौर पर पैदा किया और तमाम लोग एक ही चीज़ रब की इबादत करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अजीम जो हमको जिस जगह जाना है उसका तस्करा किया जा रहा है। अब तक जो तस्करा किया जा रहा था ये तमाम जिंदगी में पेश आने वाली चीज़ें हम आसमान आँखों की अपने नज़ारों से देखे हैं, अपने आँखों से देखे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा अफला यंज़ुरूना इला इब्ली कैफ खुलिकत, देखिए कि इन ऊँटों को जो हमने पैदा किया है
अफला इंजरून इल इब्ल कैफ खुलिकत, किस तरह उनको पैदा किया। और इसी तरह अल्लाह तबरकला यहाँ जन्नत का तस्करा कर रहा है, वह जन्नातिन अल्फाफा, हमने बेशक यहाँ अब जन्नत का तस्करा किया जा रहा है कि इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, और उसके बाद वो जन्नत किस वक्त मिलेगी कि क़यामत का दिन एक दिन मुकर्रर है, और वो क़यामत की घड़ी किस तौर पे है, यौम युनफख फिस्सूर फतहतून अफवाजा, एक सूर फूंका जाएगा और लोग फौज दर फौज हाजिर हो जाएंगे। किस तरह एक जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो खबर से उठने लगेंगे, और उस दिन हम पढ़ते हैं कि ज़मीन पूरी तरह से यानी ज़मीनों से पूरे मुर्दे उठने लगेंगे। जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा शैअन मिनल इंसान इल्ला यबला इल्ला अज़मन वाहिदन, जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो उसके जिस्म को तमाम ज़मीन खा ली जाती है और वो सड़गल हो जाता है, मतलब पूरी उसके इंसान का जो जिस्म होता है उसके चमड़ा पूरी तरह से पिघल जाता है, इल्ला अज़मन उसकी एक हड्डी बाकी रहती है। उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह हुआ अजब उज़म्बी, उसका नाम क्या है, अजब उज़म्बी यानी रीढ़ की हड्डी बाकी रहती है, वमिन्हु यरकबुल खल्क यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला उस रीढ़ की हड्डी से फिर तुमको दोबारा जिंदा करेगा। तो इस हदीस से हमको ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह पैदा करने पर कादिर है उसी तरह दोबारा उठाने पर कादिर है। तो उसी चीज़ का तस्किरा अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुमको पैदा किए हैं, वक्त मुतय्यन नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जब पैदा किए तो तमाम इंसानों को एक साथ नहीं पैदा किए, बल्कि चंद अवकात में चंद लोग वक्त मुकर्ररा के साथ नशोनुमा पाते रहे, लोग आते रहे, तब्दीली आते रहे लोगों के अंदर। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों को एक साथ उठाने वाला है। पैदा करता है जब अल्लाह तबारक व तआला, तो यहाँ देखिए कि वक्त के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों यानी लोगों की तादादों को बढ़ा दिया, और जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों को एक साथ उठाएगा, यौम युनफखु फिस्सूर फतहतून अफवाजा, और इसी तरह वफुतिहत अस्समाउ फकानत अबवाबा, ये तमाम मंजरनामा क़यामत का है कि सूर फूंक दी जाएगी और तमाम लोग फौज दर फौज खबरों से निकलने लगेंगे, और उसी तरह आसमान खोल दिए जाएंगे, फुतिहत अस्समाउ वफुतिहत अस्समाउ फकानत अबवाबा, आसमान के दरवाज़े किस लिए खोले जा रहे हैं, मुफस्सिर इकराम लिखते हैं कि ये फरिश्तों के नुज़ूल के लिए यहाँ खोला जा रहा है। तो देखिए कि फरिश्तों उस वक्त आगे की आयतें हम पढ़ेंगे किस तरह फरिश्ते सब बस्ता खड़े हो जाएंगे, हजरते ये तमाम चीज़ इंशाल्लाह आगे आएंगी, व सुय्यरत जिबाल फकान सराबा, और पहाड़ क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से रेजा रेजा हो जाएंगे, रुई और कपास की तरह उड़ने लगेंगे, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, अब यहाँ पे जहन्नम का तस्कर आ रहा है कि दरहकीकत जहन्नम एक घात है, एक घाटी है, लित्तागीन मआबा, देखिए कि जहन्नम के बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के कितने हिस्से बनाए, कितने दरवाजे बनाए और जन्नत के कितने हैं, और इसी तरह जहन्नम के बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र करते हैं, जब आपके सामने जहन्नम का जिक्र आता तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा शुरू में बहुत यानी हंसा करते थे, आप हंसमुख रहा करते थे, लेकिन जब जहन्नम की खबर आपने सुनी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मीकाईल अलैहिस्सलाम हंस क्यों नहीं रहे हैं, क्या वजह है, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब से उन्होंने जहन्नम का जो खबरें हैं, जहन्नम का जो अजाबात है, उन अजाबात को सुना तो वो उनकी हंसी बंद हो चुकी है, यानी इतने अजाबात हैं, जबकि फरिश्तों के लिए ये अजाबात नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए, फरिश्तों का कोई हिसाब है ना किताब है, ना ही कोई उनका कोई रजिस्टर उनके सामने पेश किया जाएगा, फिर भी फरिश्ते इतना डर रहे हैं कि उनसे यानी हंसी भी नहीं आ रही है, यानी जहन्नम की दर्दनाकी को देखकर उस ये बात कही गई। और इसी तरह लित्तागीन मआबा, और सरकसों का ठिकाना, और क्या है, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, यहाँ जहन्नम में जाएंगे और वो बहुत दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, उसमें मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि यानी उसका कोई तादाद तो मुतय्यन नहीं है कि जहन्नम में किस तरह रहेंगे और कितने दिन रहेंगे। और अल्लाह तबारक तआला ये अलबत्ता कहा कि हम ने जो इंसानों को पैदा किया है, सय्यआत भी होते हैं उसमें हसनात भी होती हैं, यानी इंसान अच्छे अच्छे
अच्छे आमाल जो करता है उसके मुताबिक हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे, जो बुरे आमाल करता है उसको उसके मुताबिक दाखिल करेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। और इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا, जहन्नम में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके अंदर किसी ना कोई ठंड होगी, पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा, और वो ना चखेंगे। देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा और वो ना चखेंगे। यहाँ पर जितने भी मज़ायक़े और जायक़े हैं जन्नत में हैं, और जो भी अल्लाह तबारक व तआला सज़ाएँ दे रहा है वो उसके अमल के मुताबिक बतलाया जा रहा है। इल्ला हमीमा व गस्साका, और जहन्नम में जो जहन्नम में जाने वाले जो अमल किए हैं उन लोगों के लिए ऐसा खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि जब वो पिएंगे तो उनकी हलक से वो पानी उतरने लगेगा, उनकी हड्डियाँ दिखने लगेंगी। और इसी तरह जज़ाउन विफाका, यहाँ पर असल जो अहम नुक्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मुताबिक उनके अमल के मुताबिक मुआफ़िक जो अमाल किए उसी के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म करने वाला नहीं है। तो ये मुकम्मल ये जो रुकू है इब्तदाई रुकू, इसमें तमाम चीज़ें बतलाई गई कि वह कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, जिन लोगों ने भी हमारे आयतों को झुठलाया, वह कुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, और जबकि हमने उनके सामने खुली खुली आयतें पेश की, खुली पूरी दलाइल पेश किए, फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो अल्लाह ताला अब कह रहा है कि अब क़यामत का दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन तमाम हिसाब किताब होगा, उस दिन तुमको चखना है जब तुमको तुम्हारे नामे आमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा, और उस वक्त कहा जाएगा फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अब चखो हम उसमें ज़र्रा बराबर भी ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, और उस अज़ाब को तुमको चखना है। उसके बाद मुत्तकीन की मुत्तकियों का जिक्र किया जा रहा है कि मुत्तकी लोग कैसे होंगे। देखिए कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला से कहते हैं कि तुम डरा अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में पैदा करो, जब तक तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे तन्हाई में हो, खलवत में हो, जरूरत में हो, अकेले में हो, अपनी मजलिस में हो या घर में हो, कहाँ भी हो अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और दूसरी नसीहत करते हैं, वह अतबीस सैयात, वह अतबीस सैयात हसना तमहूहा, और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम बुराई से बचा करो। बुराई से बचने के लिए क्या करना है, तुमको चाहिए कि तुम बुराई से बचने के लिए नेकी करना चाहिए, और नेकी बुराइयों को मिटा देती है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत, यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं। और तीसरी नसीहत करते हैं, वखालिकिन नास बिखुल्किन हसन, और लोगों के साथ उसने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। तो इससे बात मालूम होती है कि उसने अखलाक तुम्हारे लिए मीज़ान, जब मीज़ान में तराजू तोला जाएगा तो सबसे वज़न जो नामे अमाल होगा वो इस इंसान के उसने अखलाक होंगे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतों का यहाँ तज़किरा किया, और अज़ाबात का भी तज़किरा किया कि जहन्नम में क्या क्या चीज़ें होंगी और जन्नत में क्या क्या चीज़ें होंगी। ला यस्माउन फीहा लग्मो वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में ये होंगी कि ना कोई इंसान वहाँ कोई छोटी बात करेगा और ना ही उससे लघु बात वो सुन सकेंगे। देखिए कितना अजीम है। और इसके बाद जज़ाउन रब्बी का आतान हिसाब, यहाँ पर देखिए कि एक अहम पॉइंट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को उनके आमाल के उतना ही बदला देगा जो यहाँ करते रहे, लेकिन जन्नतियों का मकाम देखिए कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नतों के लिए, जन्नतियों के लिए, उन मोमिन औरतों के लिए, उन मोमिन मर्दों के लिए जो जन्नत में जाने वाले आमाल किए, जज़ाउन रब्बी का आतान हिसाब, उन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता होगा। और वो क्या है, अल्लाह ताला की जानिब से कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इनाम, यानी जज़ा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहा है कि हम उनके बदल जो नेकियाँ करें उसके बदला, उसके ज़रिए हम बदला देंगे, और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला की आता होगी। और अल्लाह तबारक व तआला की आता किस शक्ल में होगी, कैसी होगी, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जो देगा तो हम उसको यानी नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और हम गौर फिक्र भी नहीं कर सकते। जब किसी को अल्लाह ताला देना चाहता है तो हम उसको देख सकते हैं अपनी दुनिया में कौन शख्स कितने यानी निचले दर्जे का था लेकिन आज वो कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि हम उसको वहाँ नेकियों हो नेक मोमिन बंदों के लिए ऐसी चीज़ें अता करेंगे उसका वो ख्याल भी नहीं करेंगे। तो खुसूसन तौर पर वहाँ पे बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से
नेमतें होंगी, खुसूसन दीदार इलाही भी होगा और बहुत सी चीजें हम जिसका हम बारह सुनते रहे। और उसके बाद रब्बिस समावाती वल अर्ज वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, जिस रोज रूह मलाइका भी खड़े होंगे सब बस्ता, और इसी तरह कोई उस वक्त ना बोलेगा सिवाय अल्लाह तबरकाला कहेगा। तो ये अजीम चीज़ है कि ये वक्त है जब तमाम लोग भी खड़े होंगे, रब्बिस समावाती वल अर्ज, यहाँ अल्लाह ताला अपने सिफात के साथ तज़किरा कर रहा है कि मैं जिन चीज़ों को अल्लाह यहाँ दुनिया में पैदा किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, इन दो चीज़ों के दरमियान रहकर इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, तो वो अल्लाह की इबादत किया या फिर अपने मामला में कितना वो मुत्तकी परहेजगार था और इबादतों में कितना वो आगे था, ये तमाम चीज़ें आसमान ज़मीन के दरमियान के नामे आमाल इंसान को क़यामत के दिन खड़ा होना है। जैसा कि हम रोज़ाना पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हम खड़े होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास, और तमाम लोग खड़े होते हैं उस दिन का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ भी करते हैं, वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, कोई भी उस वक्त नहीं कहेगा, और फरिश्ते भी सब बस्ता होंगे। तो इससे बात मालूम होती है कि हम रोज़ाना सब बस्ता होकर अल्लाह के हुजूर ठहरते हैं, नमाजें अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, तमाम लोग एक ही सब में खड़े होते हैं, एक ही मजलिस में खड़े होते हैं। जिस तरह हम नमाज में आज खड़ रहे हैं, उसी तरह क़यामत के दिन में हमको एक रोज़ खड़ा होना है, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बात करेगा, मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह ताला जिसको इजाज़त देगा वो कहेगा और ठीक ठीक बात कहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जब इंसानों को भी पैदा किया, फ़खलक़ फ़सव्वा, बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, उसमें न आगे किया न पीछे किया, और तमाम निज़ाम हयात सूरज चांद तमाम एक साथ तौर पर चल रहे हैं। और उसके बाद ज़ालिकल यौमुल हक़, और ये दिन हक है, इसको तस्लीम करना चाहिए, फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा, और अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। अब यहाँ अल्लाह तबारक तआला ये तमाम चीज़ों का जिक्र करके उस चीज़ को याद दिला रहा है कि तुमको अल्लाह तआला ने पैदा किया है तो उसमें जन्नत और जहन्नम के मनाज़िर बतलाए हैं, और इसमें चीज़ें क्या क्या करना है। हम बहुत सी सूरतें पढ़ते हैं लेकिन उसको एक एक लफ्ज़ का एक एक माना हमको पढ़ना चाहिए कि तफसीर में, यानी एक एक माना हमको उसकी तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी सूरतें पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी यानी सूरतों को आप लेकर आए, लोगों के सामने पेश किया, खुसूसन जब भी यानी उस वक्त अरब के माहौल में जमाने जाहिलियत में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने यानी तमाम पूरे नबूवत के साथ यानी पूरे कुरान मजीद को लेकर आए, लोगों के सामने पेश किए, खुसूसन सूरह कौसर, एक ऐसी सूरत जो मुकम्मल बहुत सब कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत है, और उस वक्त जमाने जाहिलियत में ये दौर था कि यानी उस वक्त एक मेले लगाए जाते थे सूक़े उक्काज़, यानी मुख्तलिफ बाज़ार, जिस तरह सूक़े उक्काज़ है, इस तरह बहुत से बाज़ार हैं जहाँ पे मेले रखते थे, और उस मेलों में शेर व शायरी हुआ करती थी। तो एक शख्स सूरह कौसर को कहाँ पर, और वो काबा खाने काबा की दीवारों पर लटकाया जाता था, तो सूरह कौसर को लटकाया गया, और सुबह के वक्त एक शख्स देखता है जो कि उस वक्त यानी अब वो मुशायरा होने वाला है, और उस मुशायरे को वो निज़ामत करने वाला था। उस सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसका गुजर होता है, तो खाने काबा पर सूरह कौसर के आयतें कलम बंद कर चुकी है, तो उसको देखकर पढ़ता है। किस तरह पढ़ता है, उसको पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इस तरह आयतों को पढ़ता है, बार बार पढ़ते रहता है। देखिए कि कुरान मजीद की आयतें कितना इंसानों के दिलों को तासीर कर देती है। तो वो पढ़ते रहा और कहा कि मा हाज़ा इल्ला बशर, ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। मतलब वो वहाँ इसलिए लगाते थे कि जो शायद अच्छा कलाम पढ़ेगा तो उसको दीनारों से नवाजा जाएगा, उसको कोई महिला से नवाजते थे, यानी बड़े बड़ी कीमतों से इसको इनामात के तौर पर दिया करते थे। तो वो ये समझा कि मैं इस कलाम को वहाँ लटकाऊँ और मेरा नाम आए, मैं इनाम हासिल करूँ। तो वो शायद जब देखता है तो वहाँ पर सूरह कौसर लगी हुई है, तो वो कहता है कि मा हाज़ा इल्ला बशर, ये कलाम तो अल्लाह तबारक व तआला का हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। तो उस वक्त इस तरह के हुआ करते थे, वाकया पेश आए। तो इससे बात मालूम होती है कि उस वक्त और बाज़ आयतें जिनके बारे में जब वो लोग देखते थे तो फौरन सजदा करने लगते थे, अल्लाह की आयतें जब सुना करते थे तो फौरन सजदा करते थे, और वो आयतें भी सजदे की नहीं होती थी लेकिन सजदा करते थे, और कहते थे कि यह रब्बुल आलमीन का कलाम है जिसने हमको पैदा किया उस, और वो अरबी जबान को समझते थे, इसीलिए कुरान मजीद को अरबी जबान में पैदा किया। और अफला तदब्बरुन कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि तुम कुरान मजीद को अरबी जबान में समझो और गौर व फिक्र किया करो, और
उसके बाद अगर कोई नहीं समझते तो अल्लाह ताला कह रहा है हम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या तुम्हारे दिलों में ताले पड़े हुए हैं, यानी तुम्हारे दिल नहीं खुल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे दिलों में यानी तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे घर में सुकून नहीं है। जब तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक नहीं है, तुम्हारा दिल रब की तरफ आता यानी रब की तरफ झुकता नहीं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करती है तुम्हारी जबान, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को अगर कोई चीज खोलती है, तुम्हारे घरों में अगर कोई सुकून पैदा करने वाली कोई चीज है तो रब का कलाम है। चाहे तुम मुख्तसर ही क्यों ना पढ़ो, अगर कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो इस तमाम हमारे नामे आमाल जैसा कि अल्लाह ताला उस वक्त ये तमाम चीजें जो बताई गई, तो कुरान मजीद के हम बहुत से आयतें पढ़ते हैं जैसा कि यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, उस वक्त तमाम लोग उम्मती यानी हर शख्स अपने इमाम के साथ खड़ा होगा कयामत के दिन। फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, और ये तमाम मंजरनामा कयामत का है कि उस वक्त जब उसको हिसाब किताब होगा तो उसके दाएं हाथ में जब दिया जाएगा, सीधे हाथ में दिया जाता है तो समझ लेता है कि मुझे जन्नत में जाना है, और दाएं हाथ में दिया जाता है तो समझ जाता है यकूल या लैतनी कुंतु तुराबा, हैरान रह जाता है। और कुरान मजीद की बेशतर आयतें जो हमको इस बात की तरफ उभारती हैं, और अल्लाह ताला कहता है जब इकरा किताब, उस किताब को पढ़ो, तो वो कहेगा इस किताब यानी ये किताब तो जर्रा बराबर भी नहीं छोड़ रही है, जो कुछ लिखा है तमाम चीज़ों को दिख रही है, जर्रा बराबर नहीं छोड़ी, तो उस वक्त अफसोस करेगा। तो अल्लाह ताला कहेगा फाउलाइका यकराउना यकराउना किताबहुम, तो उस वक्त तमाम किताबों यानी जो कुछ नामे अमल किया उस किताब को पढ़ाया जाएगा, वला यज़लमूना फतीला, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ हमसे इन तमाम यानी मुकम्मल जो सूरह है हमको मकसद ज़िंदगी की तरफ उभारता है, और अभी ये मौका है कि हमको जन्नत और जहन्नम के मनाजिर को अपने सामने रखते हुए जन्नत में जाने वाले नेक आमाल करें, और खुसूसन कुरान मजीद की तिलावत जो भी करता है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद की का जो हम रोज़ाना जो पढ़ते हैं उसमें जो तदब्बुर करते हैं, जो कुछ अगर कुरान मजीद पढ़ने भी नहीं आता है, अगर वो रुक रुक कर भी पढ़ता है तो उसको दुगना अज्र अल्लाह तबरकुल्लाह अता करता है। तो हमको हमसे अल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबरकुल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हम तो आज मुकम्मल ये जो सूरह नबा तो सुनी है लेकिन एक एक आयत हमको गौर व फिक्र करना है, ये हमारी एक मुकम्मल तफसीर नहीं है बल्कि ये एक हमारा एक अंदाज़ा है, ये हम जो मुफस्सिरीन इकराम से पढ़ा है, लेकिन इल्म इतना इतना समंदर, इतना गहराई का समंदर है जिसमें हम गोता अगर लगाएंगे, अगर मोती भी तलाश करेंगे तो हम कुरान मजीद को पढ़ते रहेंगे लेकिन रोज़ाना हमको एक एक इल्म के रौनकें मिलेंगी, एक एक रास्ता मिलेगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबरकुल्लाह हमने जो कुछ भी आज पढ़ा है सुना है, अल्लाह तबरकुल्लाह इन तमाम बातों को हमारे जहन और गुमान में अल्लाह तबरकुल्लाह हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नेक कामों में आगे बढ़ने की और कुरान मजीद की तिलावत करने और रोज़ाना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।